वेल्व रिप्लेसमेंट, वो भी बगैर ऑपरेशन के, इज इट पॉसिबल? अब ये सवाल कॉमन होता जा रहा है, बहुत से मरीज मुझसे पूछते हैं, तो आइए डिस्कस करते हैं एक नए प्रोसीजर जिसको कहते हैं TAVR और ट्रांसकैथेटर एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट। आई एम डॉक्टर सुधीर सक्सेना, आई एम सीनियर डायरेक्टर एंड HOD कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। ये TAVR का प्रोसीजर जो है ये पिछले 15 सालों के अंदर बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। होता क्या है TAVR और किस पेशेंट्स में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है? देखिए, जो एवरेज एज है इंडिया में वो बढ़ती जा रही है। नाउ वी आर लिविंग मोस्टली बियॉन्ड 75 ईयर्स ऑफ एज। एक वेल्व होता है हार्ट के अंदर जिसको बोलते हैं एओर्टिक वेल्व, और ये एओर्टिक वेल्व एज के साथ साथ सिकुड़ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या स्टेनोटिक हो जाता है। जब ऐसा होता है तो मरीजों को हार्ट फेलियर की सिचुएशन डेवलप हो जाती है, उनको सांस नहीं आता, उनसे चला नहीं जाता, चलते हैं तो सांस चढ़ता है, और तो और कभी कभी सीने में या छाती में दर्द भी महसूस करते हैं। एक टाइम था जब ऐसे पेशेंट्स का एक ही ऑप्शन था जिसको कहते थे एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट विद बाईपास सर्जरी। वो अब चेंज हो चुका है। आज के जमाने में लेटेस्ट वर्जन ऑफ एओर्टिक वेल्व रिप्लेसमेंट इज कॉल्ड TAVR, जैसे मैंने आपको बताया। क्या करते हैं इसमें? इसमें जो वेल्व होता है उसको सर्जिकली इम्प्लांट ना करके पैर के थ्रू, पैर की जो नस होती है जिसको फेमोरल आर्टरी कहते हैं, उसके थ्रू इम्प्लांट किया जाता है। ये प्रोसीजर सर्जरी के मुकाबले बेहद सिंपल होता है क्योंकि इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता है पेशेंट को। ये उनमें भी कारगर है जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा फ्रेल हैं, बहुत ज़्यादा सिक हैं और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हैं, जिसमें सर्जिकल रिस्क इज एक्सट्रीमली हाई। इस प्रोसीजर को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग थिएटर या बाईपास इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसे जनरली लोकल एनेस्थीसिया या शॉर्ट जनरल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इस प्रोसीजर को करने के बाद पेशेंट तकरीबन 2 दिन के अंदर डिस्चार्ज भी हो जाते हैं और रिजल्ट्स जो है इस प्रोसीजर के वो 1 हफ्ते के अंदर अपेरेंट हो जाते हैं। सो जिस पेशेंट से चला भी नहीं जाता था, जिसको बहुत सांस चढ़ती थी, वो वापस हमारे पास जब आते हैं तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं क्योंकि उनका जीवन चेंज हो जाता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest healthcare updates.